अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। बड़े कप्तान ने तंग आकर दिल बर्दाश्त होकर स्टेप डाउन कर दिया, कप्तानी छोड़ दिया, और मैं समझता हूं ठीक ही किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी डिसाइड कर लिया कि तीन बंदों को दोबारा T20 की टीम के अंदर शामिल करना बड़ा गुनाह होगा, साइड पे करने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा मजीद दो प्लेयर्स ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें उस कप्तान की जिसने दिल बर्दाश्त होकर यानी कि कप्तानी से स्टेप डाउन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, कप्तानी छोड़ दिया, वो कोई और नहीं, जनाब न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन। वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ दिया केन विलियमसन ने। इससे पहले टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी, और अब विलियमसन जो है उन्होंने जो T20 की कप्तानी और इसके अलावा ओडीआई की कप्तानी है वो भी छोड़ दी है। भाई कोई नया कप्तान बनाओ, मेरे बस की तो अब बात है नहीं। तो बहरहाल जनाब केन विलियमसन ने अच्छा डिसीजन लिया है, न्यूजीलैंड उनकी कप्तानी में यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुआ, वर्ल्ड कप ओडीआई के वर्ल्ड कप के बड़े सेमीफाइनल्स फाइनल खेले, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन विलियमसन जो है अब बेचारा क्या करे, लेकिन अब विलियमसन की शायद T20 की गेम भी उस तरीके से नहीं रही है, तो उन्होंने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया T20 और ओडीआई की कप्तानी से। इसके अलावा पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि शादाब आजम और इफ्तिखार इन तीनों बंदों को अब थोड़ा सा टाइम दोबारा गुजारना पड़ेगा। जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, जो टीम का इमेज खराब हुआ है, या तीन बंदे मैंने के ठीक ठाक इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो आजम, इसके अलावा इफ्तिखार और शादाब, ये तीन बंदे T20 स्क्वाड से ड्रॉप होंगे। कि भाई बड़ी अभी लंबी मैंने की सीरीजें पड़ी हुई हैं, बहुत देर है अभी सीरीज को एंड में जाके, साल के अंदर कोई T20 सीरीज होगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन प्लान्स कुछ इस तरीके से हैं। इसके अलावा अगर बात करें जनाब, जहां पर टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट ने रिटायरमेंट का फैसला किया कि वो अब T20 इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट ओडीआई और T20 यानी कि उन्होंने अब अलविदा कहने वाले हैं, ट्रेंट बोल्ट अनाउंस कर दिया और टिम साउथी की भी समझाने वाली है। तो यानी कि ये दो बंदे डिसाइड कर चुके हैं कि अब मजीद ये T20 नहीं खेलेंगे, अब आने वाला जो वर्ल्ड कप उसके अंदर ये आपको नजर नहीं आएंगे। तो जनाब ये बेचारे भी अगर आप उस हिसाब से देखते तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा न्यूजीलैंड को कुछ खास दे नहीं पाया, आलम यार गेंदबाज इस बात में तो कोई दोरा है नहीं। अपडेट से मिलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।